अरिहंतार्णम् नमो सिद्धार्णम् नमो आयिर्यार्णम् नमो वज्रायार्णम् नमो लोये सबसा नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तर जो न्याय समझ लो, न्याय क्या है? जो जिसका होता है वो उसके साथ सदा रहता है। न्याय क्या है? जो जिसका होता है वो उसके साथ सदा रहता है। शकर की मिठास शकर के साथ सदा रहती है। शकर का डब्बा शकर के साथ गारंटी है? शकर का डब्बा शकर के साथ सदा रहेगा? बोलो। तो ये न्याय लगाओगे तो आ जाएगा। इसलिए अग्नि ईंधन तो ये पड़ा हुआ है, ईंधन पड़ा, अग्नि कहाँ चल रही? तो इसलिए ईंधन की अग्नि नहीं है, अग्नि की ईंधन नहीं है। लेकिन एक साथ देखने पर लोगों को लग रहा है अग्नि की ईंधन की अग्नि है, कंडे की आग है, लकड़ी की आग है, कागज की आग है। एक कहना व्यवहार है, कहना व्यवहार है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा कहकर क्या कहना है? क्रोध मान माया लोभ सदाकाल जीव में होते हैं क्या? सदाकाल। एक समय का क्रोध दूसरे समय नहीं रहता, एक समय की माया दूसरे समय नहीं रहती, एक समय का मान दूसरे समय नहीं रहता, बदल जाता है। तो जो बदल जाता है वो मेरा नहीं, मेरा है सो बदलता नहीं। इसका मतलब ध्रुव मेरा है, बाकी सब मेरा नहीं। मेरा क्या है? ध्रुव, बाकी मेरा नहीं। सुना होगा, मेरा सो जाए नहीं, सुना है ना? और जाए सो मेरा नहीं। तो मोहराग देश चला जाता है तो मेरा नहीं। बोलो, मोहराग देश चला जाता है तो मेरा नहीं है। बुखार चला जाता है तो अपना मानते नहीं मानते। रोग होता है चला जाता है, हम उसे अपना मानते नहीं है। समझ में आई बात? व्यवस्था सब सुनो ध्यान से, थोड़े ऐसे बैठो थोड़ा, ताकि उसको दो जन पीछे आड़ हो रही इनको, बस थोड़ा और, अब ठीक है। ध्यान से सुनो बेटे हैं, और कोई प्रश्न? निश्चय नहीं, उसको उपादान भी नहीं मानेगा, व्यवहार नहीं भी उसको उपादान नहीं मानेगा। एक एक पर्याय का उपादान उसी में ही होता है, एक एक पर्याय का उपादान उसी में होता है। यदि केवल ज्ञान का उपादान आत्मा को मानो तो केवल ज्ञान सदा होना चाहिए। केवल ज्ञान का उपादान यदि आत्मा हो तो केवल ज्ञान सदा होना चाहिए। तो केवल ज्ञान सदा नहीं रहता, इसका मतलब केवल ज्ञान का उपादान आत्मा नहीं है। तो कौन है केवल ज्ञान का उपादान? कि केवल ज्ञान का उपादान केवल ज्ञान है। सम्यक दर्शन का उपादान सम्यक दर्शन ही है, और कोई दूसरा उसका उपादान नहीं है। कहने के लिए व्यवहार से आत्मा को केवल ज्ञान का उपादान कह देंगे, व्यवहार से गुण को भी उपादान कह देंगे। ज्ञान गुण में से केवल ज्ञान होता है, इसलिए ज्ञान गुण को भी उपादान कह देंगे।
आत्मा में केवल ज्ञान होता है ऐसा बताने के लिए आत्मा को भी उपादान कह देंगे, कह सकते हैं, कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तव में हो तो जब जब वो उपादान हो तब तब वो कार्य होना चाहिए। न्याय क्या है? जब जब वो उपादान हो तब तब वो कार्य होना चाहिए। यदि आपने निमित्त उपादान पढ़ा हो तो एक त्रिकाली उपादान है, एक क्षणिक उपादान है, एक अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य, वो कारण कार्य है। बहुत लंबी चर्चा है हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप इतने समझ लो, सरलता से दृष्टांत दे रही, नाम तो बहुत सारे हैं उसके, नाम एक दृष्टांत दे के बता रही है आपको। बहुत काम की बात पूछी है। जैन जिन वाणी का असली उपादान, जिन वाणी में बताया गया असली उपादान तस समय की योग्यता है, बाकी सब व्यवहार, बाकी सब व्यवहार निश्चय से, परमार्थ से, शुद्ध नय से, जो तुम्हें कहना हो भूतार्थ से, तस समय की योग्यता ही उपादान कारण है। असली उपादान कारण, बोलो असली उपादान कारण तस समय की योग्यता ही। अब इतनी सूक्ष्म में कोई पकड़ में नहीं आती ना, इसलिए उसकी चर्चा ज्यादा होती नहीं, होती नहीं, लेकिन असली उपादान तो वही है। ठीक समझ में आया? यदि ज्ञान गुण में से केवल ज्ञान हो तो ज्ञान गुण तो अभी है, केवल ज्ञान क्यों नहीं? श्रद्धा गुण तो है, फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं है? श्रद्धा गुण है तो सम्यक दर्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तत् समय की योग्यता नहीं है। एक दृष्टांत देंगे, सबको समझ में आ जाएगा, समझ में, बिल्कुल सरल दृष्टांत। दुनिया का नंबर एक डॉक्टर, दी बेस्ट डॉक्टर, दुनिया का सबसे बढ़िया डॉक्टर हार्ट का, एक दिन वो भारत में आया ऑपरेशन करने के लिए, अमेरिका से ऑपरेशन करने आया। अभी आप ध्यान से सुनना, आपको हार्ट का ऑपरेशन करवाना है, उसके रेट अलग अलग हैं, एक ही दिन में एक ही डॉक्टर है, एक ही उम्र है, एक ही योग्यता है, एक ही डिग्री है, सब कुछ एक ही है, लेकिन उसके सुबह 8 बजे का ऑपरेशन का लेता है वो 1 करोड़, 12 बजे के बाद के जितने ऑपरेशन होते हैं उसका लेता है वो 80 लाख, फिर 4 बजे के बाद जितने ऑपरेशन होते हैं उनका लेता है वो 40 लाख, फिर 4 बजे से लेकर 8 बजे तक के लेता है वो 20 लाख, और रात को 12 बजे ऑपरेशन करने का लेता है 5 लाख। आपको कौन सा ऑपरेशन कराना है, 5 लाख वाला कि 1 करोड़ वाला? 5 लाख का कराओगे तो वह समझो, 1 करोड़ रुपया जब लेता है ना सुबह 8 बजे से, वो 100% सक्सेस होता है वो ऑपरेशन। और जब रात को 12 बजे करते हैं ना, रात को 12 बजे 5 लाख वाला, उसमें से 80% मर जाती है। डॉक्टर ये कही है, लेकिन सुबह से शाम तक थक गया ना वो, सुबह से शाम तक ऑपरेशन करते करते फ्रेश मूड था तो बिल्कुल सही ऑपरेशन होता था, फिर थक गया, ऐसे ऐसे कर रहा है, वो वासी ले रहा है, चलो भाई काटो इसको। 12 बजे रात को तो थक जाएगा, 5 लाख ले रहे हो, बोलो अब कौन सा ऑपरेशन कराना है, 5 लाख वाला कि 1 करोड़। व्यक्ति एक ही है, जीव एक ही है, अनादि अनंत जीव एक ही है, लेकिन जब तक उसकी योग्यता नहीं आती सम्यक दर्शन नहीं होता, जब तक उसकी सम्यक योग्यता नहीं होती तो केवल ज्ञान नहीं आता। जीव तीर्थंकर एक ही है, आदिनाथ, आदिनाथ भगवान, लेकिन उनकी योग्यता नहीं आई तो दीक्षा लेने के बाद भी 1000 वर्ष लग गए केवल ज्ञान लाने में। सबसे बड़े पुरुषार्थी होते तीर्थंकर, तीर्थंकर सबसे बड़ी पुरुषार्थी होती, 1000 साल लग गया, और एक तीर्थंकर ऐसे हुए जिनको 6 दिन लगे केवल, ओनली 6 डेज, मल्लीनाथ भगवान को, बाहुबली को 1 साल लग गया, और भरत चक्रवर्ती को अंतर्मुर्ति हो गया। बोलो भाई तीनों में से किसका पुरुषार्थ अच्छा था और किसका खराब था? आदिनाथ, भरत, बाहुबली में से सबसे अच्छा पुरुषार्थ किसका था? हाँ सबका। क्यों? क्योंकि उसमें तीनों का चलता नहीं है, तीनों की आत्मा की चलती नहीं है, तीनों की योग्यता जुदी जुदी है, तीनों की योग्यता जुदी जुदी है। अभी आप सब बैठे हो, मेरा पूरा दिमाग अच्छा है ना? हाँ एक ही है लेकिन योग्यता तो
उपादान नहीं, तत्समय की योग्यता बदल गई। उपादान तो है लेकिन योग्यता बदल गई ना, ये कह रहा हूँ योग्यता बदल गई। हाँ, परिणामों में योग्यता होती है, पर्याय में योग्यता होती है। देखो अभी आप सब बैठे हो, अभी आप खुद ही देखो, एक बार में कुछ लोग एक बार में समझ जाते हैं, कुछ दो बार में समझते हैं, कोई तीन बार में समझते हैं, कोई को सुन करके भूल ही जाते हैं। ज्ञान का अभाव नहीं, योग्यता का। ज्ञान तो है सबके पास लेकिन योग्यता नहीं। कोई को चार बार याद करते तब याद होता है, कोई को एक बार में याद हो जाता है, कोई एक बार देख करके नहीं भूलते। कोई विचक्षण हुए तो एक बार देख के ही नहीं भूले। श्रीमद जी को बहुत होता था ऐसा, बिल्कुल दूर से ही बता देते थे आज उसकी डेथ होने वाली है, ऐसा विचक्षण ज्ञान होता था उनका, तो दूर से ही बोल देते थे, दूर से ही बोल देते थे, मति ज्ञान का चमत्कार है। चलें और कोई प्रश्न। उपादान और योग्यता, उपादान तत्समय की योग्यता को असली उपादान कहते हैं, बाकी व्यवहारिक उपादान कहलाते हैं। जीव को भी उपादान कहते हैं, गुणों को भी उपादान कह देते हैं, कहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उपादान किसे कहना कि कार्य होना चाहिए, क्या कहा हमने, कार्य होना चाहिए। कार्य नहीं हो तो उपादान कैसा, कार्य नहीं हो तो उपादान कैसा। तो फिर जीव द्रव को उपादान नहीं कहेंगे, अब हम गुणों को भी उपादान नहीं कहेंगे। उस गुण की योग्यता, क्या बोला हमने, उस गुण की योग्यता। जब तक योग्यता नहीं आएगी सम्यक दर्शन केवल ज्ञान कुछ नहीं होगा। अभी आपने देखा है, आपको यदि याद करना हो तो आपको अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में याद करते हो तो जल्दी होता है कि 12 बजे भोजन करने के बाद जल्दी याद होता है। बोलो 12 बजे भोजन करो आप, जब भी करते हो 11, 10, 11, 12 बजे भोजन करके आप पढ़ने बैठ जाओ, बोलो आपको कितनी जल्दी याद होता है। तो जीव तो वही है लेकिन ब्रह्म मुहूर्त की योग्यता अलग और भोजन करने के बाद की योग्यता अलग। और रात को थक गए हो, बिल्कुल बहुत जम के थक गए हो और पूरी बंदना करके आए पहाड़ की, उस समय याद करने बैठो, याद करना तो छोड़ो, पढ़ने का भी मन नहीं करेगा, पढ़ना भी बाहर लगेगा। आपने देखा वो सुबह सुबह आप जितनी भक्ति से आपने पाठ पढ़ते होंगे, सामायिक के प्रति के मन आदि आदि जो भी, उसमें वो अच्छा लगता है। लेकिन जब बंदना करके आए और आज शाम को करो तो कैसा समय लगता है, बिल्कुल। तो इसमें जीव का नहीं, योग्यता की बात। योग्यता से इतना फायदा है, योग्यता को समझ जाए तो हमें राग द्वेष ना हो। हाँ, योग्यता को समझ जाए तो राग द्वेष नहीं होगा। जब योग्यता ही नहीं तो काम भी नहीं होगा, तो हम अपेक्षा क्यों करें। फिर से बोलो, कैसे होगा, जब योग्यता ही नहीं तो काम कैसे होगा। तो जैसे हमने निर्णय किया इसकी योग्यता नहीं है तो उस पर गुस्सा आता नहीं। हाँ बोलो, तत्समय की व्यक्ति की तो कहने में आती है, आत्मा की भी कहने में आती है, लेकिन तत्समय की, तत्समय ने जिस समय कार्य होता है, जिस समय कार्य होता है। अभी आप सबने देखा है योग्यता, हम रोक नहीं पाते। योग्यता का एक लक्षण है, ना हम ला सकते हैं ना रोक सकते। योग्यता का एक लक्षण क्या है, ना ला सकते ना रोक सकते। एट रैंडम आई और हो गई। कभी आपको बहुत गुस्सा आता है तो कोई समझाता है तो अभी योग्यता नहीं रुकती, हमें मत समझाओ, मैं भी जानता हूँ क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन आ रहा है होता है कि नहीं होता है होता है। अब कभी कभी दया का भाव आता है, अपन जानते भी कि नहीं करना चाहिए, साधुओं को दया नहीं करना चाहिए, देख के चलना चाहिए। लेकिन कोई बिल्ली चूहे को खा रही हो तो बचाना कि नहीं बचाना, तो साधु के लिए निषेध है, साधु से नहीं बचाएगा, उसकी स्वतंत्रता है। क्यों, उसको बीत रखते आग की तरफ बढ़ना नहीं, अपन कल पर सुखा था, जो ग्रस्त होगा वो पुण्य की तरफ बढ़ेगा और साधु होगा वो बीत रखता की ओर बढ़ेगा, तो वो उसको नहीं बचाएगा। एक बहुत बड़ा पंथभेद हो गया इसी बात पर से। उन्होंने कहा प्राश्चित लो, आपने क्यों भगाया उसको, बोले मैंने क्या गलती की। उसके ऊपर से पूरा पूरा एक पंथ ही खड़ा हो गया पूरा, आपको तो पता होगा सर इतिहास का। हाँ चलो और कोई प्रश्न। व्यवहार से कह देते हैं, व्यवहार कहने का नाम है, तो कहने में बाधा नहीं है। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ कि मैंने पढ़ाया, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ाया ही नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाऊँ तो कल की वाणी और आज की वाणी में अंतर क्यों आ रहा है, परसों की वाणी में और आज की वाणी में अंतर क्यों आ रहा है।
और फिर मैं बोलना चाहे, आपने देखा कभी हम बोलना चाहते हैं कुछ और निकल जाता है कुछ, देखा है खूब? तो इसका मतलब है ये बाणी की योग्यता है। ऐसे सूक्ष्मता से पकड़ोगे तो आपको भीतराग्ता आएगी, अपने को भी अकर्ता देख लोगे, क्योंकि मैं योग्यता का कर्ता नहीं हूँ। योग्यता होती है तो होती है, नहीं होती है तो नहीं होती है। योग्यता का कर्ता मैं नहीं, तो मैं कहना हो तो कर्ता कह देंगे, कहने में कोई दिक्कत नहीं, कहना व्यवहार है, लेकिन मानना मिथ्या है। क्या कहा? कर्ता कहना व्यवहार है। कौन सा व्यवहार है? लोक व्यवहार, लेकिन मानना नहीं। देखो एक दृष्टांत देके समझाता हूँ आपको। हमारे घर में शादी हो, दृष्टांत ग्रस्तों का है, आपका भी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ लो ग्रस्तों का जल्दी सही हो जाएगा। घर में शादी है तो नौकर को भी काम दिया, रिश्तेदार को भी काम दिया, ठेकेदार को भी, क्या कहलाता है, टेंट हाउस वाले को भी काम दिया, मिठाई बनाने वाले को भी काम दिया, अपन ने सारे काम दिए। किसी से नहीं कहा कि काम बिगाड़ना, लेकिन जब दूल्हा को पानी चाहिए था उसी समय नौकर उनको पानी नहीं लाया जब चाहिए था। दूल्हे के पिताजी को जिस समय ठंडा पानी चाहिए था उसने गर्मा गर्म पानी दे दिया नौकर ने, तो क्या होगा आप बता सकते हो? क्या होगा शादी में? तूफान होगा। दूल्हा और दूल्हे के पिता को पानी नहीं मिला सही और की तो क्या बात है, बहुत तूफान होगा। अब बहुत तूफान होगा तो लड़की का पिता क्या करेगा? बोलो क्या करेगा? गलती नौकर की है, नौकर से हमने कहा भी नहीं था तू गलती कर, हमने तो पहले ही कहा था बिल्कुल सबका खूब सम्मान करना, सबका बिल्कुल ध्यान रखना, लेकिन वो नहीं रखा। बोलो लड़की का पिता क्या कहेगा? जल्दी बोलो। मेरी गलती, ये कहे हमने बहुत बड़ा अपराध किया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपका सम्मान नहीं कर पाए, हम आपका ध्यान नहीं रख पाए। क्षमा मांगेगा कि नहीं मांगेगा? अब ये निश्चय की व्यवहार, ये लोक व्यवहार है, उसकी गलती नहीं है उसमें, तो अभी कहेगा वो। अब जब विदा हो गई, बेटी की विदा हो गई, अब मीटिंग बुलाएंगे, अब नौकर को क्यों तूने ऐसा क्यों किया? लड़की का पिता दूल्हे से ये नहीं कह सकता मेरी क्या गलती है, नौकर की गलती है, मेरी गलती नहीं है नौकर की, ऐसा नहीं बोलेंगे। लोक व्यवहार में आत्मा पर्याय की गलती को भी मानेगा। क्या कहा? व्यवहार में शरीर की गलती को भी, आत्मा की पर्यायों की गलती को भी आत्मा स्वीकार कर लेगा, ये व्यवहार है। लेकिन जब हम ऐसे बैठेंगे ना, ऐसे बैठेंगे अंतर्मुख ध्यान लगा करके, तब हम ध्रुव की गलती नहीं मानेंगे, हम पर्याय की गलती को ध्रुव की गलती नहीं मानेंगे, पर्याय की गलती को ध्रुव की गलती नहीं मानेंगे। कोई जानबूझ के थोड़ी गलती करता है होना आती तो वैसे ही विकल्प आ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आई बात? कोई कठिन तो नहीं लग रही? और बोलो। समय की योग्यता तो हमारे हाथ में है ही नहीं। हाँ तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं। ये तो रहेगा, ये तो रहेगा, इसको मजा करो बस। देखना गायब हुए है, अनुभव में आ रहा है ना? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सभी को सदा स्वयं ही सहज ही अनुभव में आ रहा है, तो आ रहा है तो आनंद करेगा। एक इतना सा बच्चा है, उसकी मूछे लाने की योग्यता हमारे हाथ में नहीं है, तो क्या रोते हैं क्या? अब हमें पता भी नहीं कब आएगी, जब आएगी आ जाएगी, योग्यता आएगी तो अपने आप आ जाएगी। तो बोलो योग्यता के निर्णय से आप निश्चिंत रहते कि नहीं रहते? उसके पापा भी निश्चित रहते कि नहीं, इतने से बच्चे की मूछ कब आएगी, कब आएगी, कब? अरे जब योग्यता आएगी तब आ जाएगी, वो टेंशन लेते? योग्यता की टेंशन लेना, क्या कहा? योग्यता की टेंशन लेना बढ़िया पढ़ा था अपन ने 12वीं 13वीं गाथा में, थवा योग्य योग्यता है, क्या करोगे यार? आप खुद चेक करके देखो, इतना आनंद आएगा ये योग्यता वाली चर्चा से तो, कि अभी हम सब लोग दुखी होते हैं, देख लेना अपना अपना दुख। आपको लगता है आज हम ध्यान में बहुत अच्छे बैठेंगे और नहीं बैठ पाते तो फिर दुखी होते कि नहीं होते? मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा उपयोग कहाँ चला गया, हाय हाय, गृह जीवन में चला गया कि खान पान में चला गया कि भोगों की आसक्ति में चला गया कि आज लड़ाई झगड़े में चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया, हे भगवान दुखी दुखी हो गया, हो जाता है कभी कभी। तो अब योग्यता की टेंशन मत लो, तो मस्त हो गए, सामायिक हो गई, आना है तो आ गया, आ गया, आ गया। आप कितना अच्छा बोलते हो, क्रोध आ गया, विकल्प आ गया, सामायिक करना है तो आनंद करो बस।
क्यों? क्योंकि विकल्प की जिम्मेदारी मेरी, योग्यता की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, योग्यता का कर्ता मैं नहीं हूँ। बस मजा कर, सामायिक हो गया आराम से। बिल्कुल ध्यान रखना, यदि आपको सामायिक में आनंद लेना हो, ध्यान में आनंद लेना हो, तो योग्यता की टेंशन नहीं लेना। पहले से सेट करके मत बैठो कि मैं सिद्धों का ध्यान करेंगे कि अरहंत का ध्यान करेंगे कि साधु भगवंत का ध्यान करेंगे कि कौन सा करेंगे, सोच के ही मत बैठो। आप तो ऐसे बैठो, मैं ध्रुव हूँ बस। कैसा ध्रुव हूँ? मेरे ज्ञान में ये बुद्धिपूर्वक का विकल्प झलकेगा, काय में झलकेगा, गियाकार बताया था, गियाकार मेरे ज्ञान में ये झलकेगा, लेकिन घुसेगा नहीं, ज्ञान ही ज्ञान रहेगा। तो ज्ञान और ध्रुव दो रह गए, ज्ञान और ध्रुव रह गए। मजा करो, मजा करो, करके देखना आज सामायिक, रोज ही करते हो, फिर करके देखना। कोई सा विकल्प आ जाए, कोई से, बस मजा करना, मेरे में आए ही नहीं, मेरे में आए ही नहीं, मेरे में आए ही नहीं। दृष्टांत कौन सा लेना है? अग्नि में ईंधन नहीं, ईंधन में अग्नि, ईंधन में अग्नि नहीं, अग्नि में ईंधन नहीं, ज्ञान में झलक रहा है, बस खत्म। अब आपको मजा आए, और नहीं तो आपको क्या लगे मेरी परिणाम अभी तक बिगड़ती, मेरा ध्यान अभी तक नहीं लगता है, इनका तो बहुत लगता है, 4-4 घंटे बैठते, मैं तो बैठ ही नहीं पाता, मैं तो आधा ही घंटा नहीं बैठ पाता, मैं तो 1 मिनट नहीं बैठ पाता। कितने लोग होंगे ऐसे में 1 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे। टेंशन नहीं करने का, समझ में आ रही बात? फिर से बोलो, योग्यता की टेंशन लेना नहीं। आने योग भाव आएंगे। बोलो, आज आप बैठ ध्यान में बैठोगे तो खराब भाव आना चाहिए, अच्छा? हाँ बोलो बोलो, अच्छा उत्तर है, बढ़िया बोलो जी, बहुत बढ़िया। जो आने योग्य होगा वो आएगा, और अब हमें दुखी होने की योग्यता होगी तो दुखी भी होंगी, और यदि गायक देखने की, ध्रुव देखने की योग्यता होगी तो ध्रुव देखेंगे। अब मैं फिर से बोलता हूँ, उत्तर बदल देना है, उत्तर सुधारना है, थोड़ा उत्तर सुधारना है। अच्छे विचार आएंगे तो आनंद करेंगे, या बुरे विचार आएंगे तो आनंद करेंगे? हाँ, दोनों में आनंद करेंगे। क्यों? क्योंकि अच्छे बुरे विचार अच्छे बुरे नहीं होते, मैं सदा अच्छा हूँ ये अच्छा होता है। क्या बोल गए जल्दी से? मैं सदा अच्छा हूँ। क्यों अच्छा हूँ? क्योंकि अच्छे बुरे विचार मेरे में आते ही नहीं है, अच्छे बुरे विचारों का मेरे में प्रवेश नहीं है। सब खराब विचार तो नहीं आना चाहिए, खराब विचार होते ही नहीं है, मेरे में घुस गए ये खराब विचार है। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? खराब विचार आते कि नहीं आते? बोलो, खराब विचार आते ही नहीं, खराब विचार तो ये है कि मेरे में घुस गए, मेरे में घुस गए। मेरे में कहाँ घुसा? टेलीविजन में आग लगती है कभी? पहले नए नए टीवी आए थे 1982 में, तो बहुत घरों में उधम हो गया था। तो नया टीवी आया, उसको चालू किया तो उसमें आग का दृश्य आया, वो घबरा गया बेचारा गाँव वाला, मर गए। हम 5000 का टीवी लाए, इसमें आग लग गई, एक बाल्टी पानी डाल दिया उसमें करंट लग गया। अग्नि का दृश्य आना बुरा नहीं है, गंदगी का दृश्य आना बुरा नहीं है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि मेरे टीवी में आता ही नहीं है, मात्र दिखता है। ऐसे आत्मा ज्ञान दर्पण है, आत्मा कैसा है? ज्ञान दर्पण है। ज्ञान दर्पण में अच्छे विचार बुरे विचार आते हैं, लेकिन दर्पण में आते नहीं है। इसलिए अच्छा विचार क्या हुआ, कौन बोलेगा? अच्छा विचार, अच्छा विचार, हाँ हाँ, मेरे में आते ही नहीं, ये अच्छा विचार है, मेरे में आते नहीं। भगाने जाओगे तो परेशान हो जाओगे, जैसे एक मक्खी आ जाए उसे भगाने की कोशिश करो, भगो 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 भगो, तो दिन भर नाचते रहोगे भरतनाट्यम, मक्खी अपन ही थक जाएंगे लेकिन मक्खी नहीं भागेगी। तो क्या करना चाहिए कि मक्खी को आना हो तो आ, जाना हो तो जा, हम बैठ जाओ आराम से, ऐसे विकल्पों को रूपी मक्खी को आए तो आने दो, जाए तो जाने दो। अभी अपन कब खुश हो जाते पता है? आज मेरा ध्यान बहुत अच्छा हुआ, कोई मक्खी नहीं आई। अरे तो तूने मक्खी का ध्यान तो कर ही लिया ना, तूने आत्मा का ध्यान क्या किया? मक्खी नहीं आई, तूने ये ध्यान तो किया ना। अच्छा ध्यान तो ये है कि कौन सी मक्खी आई कि नहीं आई मुझे पता नहीं, मैं बढ़िया हूँ। हाँ अच्छा विचार, फिर से बोलो बोलो, अच्छा विचार, कोई भी विचार आए या जाए, मेरे में विचार नहीं आते, ये अच्छा विचार है। कोई भी विचार आए या जाए, मेरे में विचार आते नहीं, विकल्प आते नहीं, कर्म आते नहीं। वो 5 बोल पढ़ाए थे,
अड़तोज नथी, छूता ही नहीं है, वो बस मजा कर। समझ में आएगी नहीं आएगा? जी बस यही पुरुषार्थ है, ध्रुव 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 बस। बताओ ध्रुव में कुछ हुआ हो तो बोलो। ये पांचों बोल बता रहे हैं ध्रुव में कुछ नहीं हुआ। ये पांच बोल पढ़ने का उद्देश्य ही है, ध्रुव में कुछ नहीं हुआ। ध्रुव का वो उत्पाद भी है ध्रुव में से, ध्रुव बस बात खत्म हो गई। ठीक है, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अभी सामायिक में आनंद आता है कि सही सही बताओ, सामायिक में आनंद आता था कि नहीं आता था? अब आज से खूब आएगा। क्यों आएगा? अभी यहाँ पर विकल्प को रोकते हैं, गृहस्थों का विकल्प नहीं करना, फला का विकल्प नहीं करना, फला का विकल्प नहीं करना, वो तो आता ही। देख लेना आप, जिस विकल्प को रोकोगे वो जरूर आएगा। आपको केवल ज्ञान चाहिए किसी को? अब भी नहीं दे देंगे अभी, बोलो। एक एक ध्यान करना है, एक मिनट का, एक मिनट का ध्यान करना है। सफ़ेद चूहे का ध्यान नहीं करना, माँ की कोई सा भी कर लेना। एक मिनट, ओनली वन मिनट, 60 सेकेंड। आप किसी का भी ध्यान करना, मम्मी का, पापा का, शेर का, बकरी का, बिल्ली का, सब किसी का भी ध्यान, पेड़ का, पौधे का, चार गति का, कोई का भी ध्यान करना। इतने ध्यान के विषय कोई का भी कर लेना, बस एक चूहा नहीं सोचना। एक मिनट, ओनली एक मिनट, केवल ज्ञान देंगे हम आपको। मुझे चूहा नहीं सोचना है। अब आगे नहीं परेशानी, इसलिए हम विकल्पों का निषेध करते ही नहीं। जो लोग विकल्प का सोच के बैठते ना, अमुक नहीं करेंगे आज, अमुक नहीं करेंगे। जैसे आपने उपवास किया हो, उपवास समझते होंगे, उस दिन आपको भोजन नहीं लेना मान लो। अब आप बहुत सोचोगे भोजन नहीं सोचना है, भोजन नहीं सोचना है, लेकिन वही आएगा, नहीं नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना, वही विचार आएगा। इसलिए प्राथमिक भूमिका में सिखाते हैं कि तू अभ्यास कर। अभ्यास में कहते हैं कि तू आज नमक मत खा, आज शक्कर मत खा, आज आम मत खा, ऐसे जो रस परित्याग कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा कराते जाते हैं। बाद में आगे की दशा में क्या कहते हैं, तू खाने और नहीं खाने के विकल्प का त्याग कर। आए तो खा लेना, नहीं आए तो नहीं खाना। इसको अपन कहते हैं अनुद्दिष्ट का त्याग, उद्दिष्ट का त्याग। खाए का त्याग, उद्दिष्ट का त्याग। अपन पहले ही आज मीठा लेना है, उनको मालूम पड़ गया मीठा लेना है, तो मीठे ही हो ही गया वो, तो फिर तो उद्दिष्ट हो गया वो, तो हमारे उद्दिष्ट का त्याग है। क्या मतलब? मेरी तरफ से तो जो आएगा वो सहज भाव से लेंगे, हमारी मर्यादा के अनुकूल होगा, हमारी शुद्धि के अनुसार होगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अमुक लेंगे, अमुक नहीं लेंगे, ये नहीं। ये जब साधक होते हैं ना बड़े, तब बढ़ती जाती है बात। ठीक, अब और कोई प्रश्न? बढ़िया, अच्छा है। बस चलें आगे। 23, 24, 25 नंबर की गाथा कंटिन्यू है, 26 नहीं, हाँ 23, 24, 25 तीन गाथा बहुत अच्छी है, पढ़िए। अज्ञान मोहित बुद्धि जो बहुभाव संयुत जीव है, ये बद्ध और अवध पुद्गल द्रव्य मेरा वो कही। बद्ध और अबद्ध पुद्गल, बद्ध और अबद्ध पुद्गल, ये जो शरीर है ये बद्ध पुद्गल है, और ये शर्ट है ये अबद्ध पुद्गल है, ये कपड़ा अपने हाथ में ये अबद्ध पुद्गल है, मोबाइल अबद्ध पुद्गल है, ग्रंथ अवध पुद्गल है, मकान दुकान अवध पुद्गल है, गुरु और शिष्य अवध पुद्गल है, माने पुद्गल को समझिए, ये पुद्गल। तो अज्ञान मोहित भाव, अज्ञान मोहित बुद्धि क्या कहता है, क्या कहता है अज्ञान मोहित, अज्ञान मोहित बुद्धि? अज्ञान से मोह से मोहित व्यक्ति, मिथ्या दृष्टि व्यक्ति क्या कहता है कि बहुभाव संयुक्त जीव है, बहुभाव संयुक्त जीव है। आज जीव मनुष्य है, जीव चीटी है, जीव का मकान है, जीव का दुकान है, जीव चलता है, जीव खाता है, जीव पीता है, ऐसा कहता है। देखो क्या लिखा है, पुद्गल द्रव्य मेरा वो कही, कौन कहे मेरा कहे, पुद्गल द्रव्य मेरा कहता है कौन? दो पुद्गल कौन कौन से लिए, बद्ध पुद्गल और अबद्ध पुद्गल। कौन कहता है मेरा? यदि हम भी अपना कहेंगे तो कौन हो जाएंगे?
मोहित बुद्धि वाले हो जाएंगे। अज्ञान मोहित बुद्धि, अज्ञान अज्ञान मोहित का अर्थ सुनो, अज्ञान मोहित का अर्थ जो ध्रुव को नहीं जानता वो मोहित हो जाता है। क्या कहा? अज्ञान मोहित, जो ध्रुव को नहीं जानते वो मोहित होके कहता है आज मेरे पैर टूट गए, आज मेरे को बुखार आ गया, आज मेरे को दर्द हो गया, दे गिरी तो मैं गिरा। क्या हुआ? तो कौन कहता है? अज्ञान मोहित। अज्ञान अज्ञान किसका? ध्रुव का। अज्ञान किसका? ध्रुव का। ध्रुव को नहीं जानते, आत्मा को नहीं जानते, वो ही मोहित हो गए ऐसा कहेंगे। समाज तंत्र एक ग्रंथ बहुत अच्छा, समाज तंत्र एक ग्रंथ बहुत अच्छा, उसमें इसके दृष्टांत दिए बहुत अच्छे। शर्ट फट जाए तो कोई आदमी कहता है मैं फट गया, शर्ट पुरानी हो गई तो कोई आदमी कहता है मैं पुराना हो गया, नहीं कहता। ऐसे ही ज्ञानी जीव शरीर के पुराने होने पर, वृद्ध होने पर वो नहीं कहता कि मैं वृद्ध हो गया। समझ आया? शरीर टूट गया तो अज्ञानी तो कहेगा मेरे हाथ टूट गए, और ज्ञानी क्या बोलेगा? मेरा बिल्कुल भी क्षति हुई, मैं टूटा ही नहीं। अज्ञान मोहित बुद्धि वाला ऐसे बोलेगा। क्या बोलेगा ये बोलेगा मेरा हाथ ही नहीं तो टूटा कहाँ है? अज्ञानी बोलेगा मेरा हाथ टूटा है, मेरा शर्ट फट जाए तो आप क्या बोलोगे? मैं फट गया तो नहीं बोलेगी ना, हाथ टूटा तो हाथ ही टूटा है, मेरा कहाँ टूटा? मेरा ज्ञान कहाँ टूटा? मेरा दर्शन चारित्र सुख कहाँ टूटा? मेरा तो कुछ टूटा ही नहीं। हाथ होने दो, हाथ को तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ये शरीर अच्छा रहना चाहिए खराब रहना चाहिए? तब तो बैराग आए इससे जी। फिर भी इस लिखा है एक बहुत अच्छा दृष्टांत, इतना सड़ा हुआ शरीर को भी अच्छा बनाए रखना चाहिए था, और इसे विरक्त हो नव द्वार भये घिनकारी, ऐसा जानकर तू इसकी नव द्वारों को अच्छा नहीं कर। स्नान का त्याग क्यों करते हैं साधु लोग? ये नव द्वार भये घिनकारी, इसको हमें सजाना नहीं है, इसको सुधारना नहीं, इसको नहीं सुधारना है, इससे विरक्त होकर हमें ध्रुव देखना है। क्या करना है हमको? विरक्त होके ध्रुव देखना है, बस। समझ में आया? तो फिर से अज्ञान मोहित किसको कहा? ध्रुव का ज्ञान, जिसे ध्रुव का ज्ञान नहीं वो अज्ञानी, और फिर शरीर में मोहित हो गया, वो मोहित बुद्धि वाला हो गया। तो ये कहता है मैं टूट गया, मेरे को बुखार हो गया, मैं मर जाऊंगा। जो ध्रुव को जानता हो कहते हैं मरते ही नहीं, मैं तो अमर हूँ, मैं कैसे मरूंगा? लिखा है क्या है छोटे समाधि में, जिसे हो मौत हो उसे हो मुझे क्या, जिसे मौत हो उसे हो मुझे क्या। शरीर के बारे में क्या लिखा है? ये तो चिरकाल से मरी हुई है, मेरी वजह से जिंदा कहलाती है, मैं इसे जिंदा कि ये मेरे से जिंदा? मैं इससे जिंदा हूँ या ये मेरे से जिंदा है? मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई, ये तो मरी मराई है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बहुत आनंद का मार्ग है, बहुत आनंद का मार्ग है। हाँ आगे, सर्वज्ञ ज्ञान बेसे सदा उपयोग लक्षण जीव है, वो कैसे पुद्गल हो सके जो तू कहे मेरा हरि। हाँ चलो, तुम्हें तो समझ में नहीं आ रही थी सर्वज्ञ भगवान क्या कह रहे हैं। सर्वज्ञ के ज्ञान में विषय, विषय माने सर्वज्ञ के ज्ञान में, केवल ज्ञान में सदा उपयोग लक्षण जीव है। उपयोग हो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। कब? सदा सदा। तो वो कैसे पुद्गल हो सके बताओ? आत्मा पुद्गल कैसे हो जाएगा, जीव पुद्गल कैसे हो जाएगा? फिर क्या कह रहे हैं? तू कहे मेरा हरि, झूठ बोल रहा है तू। क्यों? मेरा किसे कहेंगे? जो मेरे साथ रहे वो मेरा, और जो छूट जाए वो मेरा नहीं। अभी आप जिस कमरे में ठहरे हो तो आप किसी से बोलोगे भी नहीं, मिलना हो तो मेरे कमरे में आना बोलोगे, लेकिन मानते हो? आप तो बिहार कर जाओगे चतुर्मास के बाद, फिर क्या बोलोगे? कहोगे मेरा मकान एक बाएं, एक कमरा बाएं, एक कमरा बाएं, एक कमरा बाएं।
कितनी देर के लिए अपना कमरा कहते हो आप? जितनी देर वहाँ रहना है, ऐसे आत्मा जितनी देर शरीर में रहता है उतनी देर कह देता है मेरा है, मानता नहीं है, चला जाता है बस। ठीक, जो जीव पुद्गल होए पुद्गल प्राप्त हो जीवत्व को, तू तब ही ऐसा कह सके हे मेरा उद्गल द्रव्य को। न्याय दिया इसमें, क्या न्याय दिया? या तो जीव पुद्गल हो जाए या पुद्गल जीव हो जाए तो तू कह सकता है कि मेरा पुद्गल है, या तो जीव पुद्गल हो जाए या पुद्गल जीव हो जाए, ऐसा तो होता ही नहीं। तो फिर तू जो कहता है पुद्गल मेरा है, मेरा हाथ है, हाथ टूटा कि नहीं टूटा मेरा, तो अज्ञान मोहित बुद्धि कह रहा है, सर्वज्ञ भगवान कह रहे तेरा हाथ कहाँ है पहले बता। एक बार पंडित साहब के सामने पास किसी ने कहा, फिर हमारे हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं, ऐसा लगता है अपन क्रमबद्ध मान लेंगे, ध्रुव को मान लेंगे, पर्याय में हम कुछ कर नहीं सकते, अकर्ता मान लेंगे, तो हमारे हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं, ये बहुत डर लगता है, हम क्या करेंगे फिर, हमारे हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं। तो पंडित जी बोले पहले तेरे हाथ बता। तेरे हाथ बता, तेरे हाथ ही नहीं है, अरे तेरे ज्ञान दर्शन ही हाथ है, उपयोग ही तेरा हाथ है, तू ज्ञान दर्शन से जानता है तेरे हाथ में है, जानना तेरे हाथ में है, ज्ञान दर्शन से तू जानता है, काय के लिए परेशान हो रहा है, इन हाथों को हाथ मानते हैं अपन, ये हाथ ही तेरे नहीं है। फिर से बोलो, या तो जीव पुद्गल हो जाए या पुद्गल जीव हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि पुद्गल मेरा है। इसको बहुत लगाना है, बहुत, इसको तो 100 साल भी लगाऊं ना इसका अर्थ कम है, इतना प्रैक्टिकल है इसमें, 100 साल भी कम पड़े इतना प्रैक्टिकल है इसमें। क्यों, हम 24 घंटे मानते हैं लड्डू खाए तो मजा आ गया, कितना बड़ा झूठ, 100% सफा चट झूठ, लड्डू खाने पर मजा आता है कि नहीं आता है? तो इनका कहना है या तो तू लड्डू हो जा या लड्डू जीव हो जा। तो तू कह सकता है कि मैंने लड्डू का आनंद लिया, ठंडी पवन का आनंद आता है कि नहीं, गर्मी में आता है कि नहीं, तो फिर ठंडी पवन आत्मा हो जाए और आत्मा ठंडी पवन हो जाए तो तू कह सकता है कि ठंडी पवन का आनंद आया, ऐसे घटाना है इसको। अब सोचो कितने घटा हुए यार, हाँ, अभी कोई व्यक्ति आपके कपड़े को फाड़ दे, फाड़ दे, कोई कारण पाके फाड़ दे, तो एकदम ऐसा लगता है जैसे हम फट गए, कपड़ा नहीं फटता नहीं वो नहीं रोता, कपड़ा फटता है वो नहीं रोता, और ये भी आपको पता है कोई ना कोई आपको दूसरा कपड़ा दे देगा, फिर भी दुख लगता है, दुख दुख, 10 साल पहले की भी वो याद आ जाएगी, इसने मेरा कपड़ा फाड़ा था गुस्से में, इसने फाड़ा था, इसने फाड़ा था, अरे कपड़ा फटा वो तो बर्तन पहुँचने काम आ गया, वो तो उसको तो रोया ही नहीं, वो जो फटा था वो रोया ही नहीं, और ये 10 साल बाद भी, ध्यान रखना एक बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, लिख लो आप, बिल्कुल लिख लेना, आपको साधना में बहुत काम आएगा, किसी का दुर्व्यवहार याद रखने से हम कमट के जीव बन जाते हैं, दुर्व्यवहार याद रखने से कमट का जीव बन जाएंगे हम, भाव भाव में बदला लेते रहेंगे, कोई बड़ी मछली बनेगा तो छोटी मछली को खा जाएगा, कोई बड़ा छिपकली बन जाएगा तो कीड़ों को खाता रहेगा, भाव भाव का बेर बनता है, बिल्कुल याद नहीं रखना दुर्व्यवहार, कोई दुर्व्यवहार हुआ तो मेरे कर्म के उदय की बात है, उसका कोई दोष नहीं है। एक लाइन और जोड़ो, बढ़िया, इतने दिन पढ़ाई किए तो एक लाइन और जोड़नी इसमें, उसका दुर्व्यवहार मेरे ही पाप का उदय है, उसका कोई दोष नहीं, क्यों, क्योंकि वह भी, हाँ, क्योंकि वह भी ध्रुव भगवान है, उस समय उसकी ऐसी करने की योग्यता थी कपड़ा फाड़ने की, तो फट गया, कपड़े में फटने की योग्यता थी, वो निमित्त बन गया, हो जाओ, मेरे कोई टेंशन रखनी नहीं, लगा लोगे कितना प्रैक्टिकल लगेगा इसमें, हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है, अब तो मोक्ष ही हो गया आपका, बिल्कुल ऐसे ही पकड़ो, बिल्कुल ऐसे ही बोलना सीख जाओ, कर्म मेरा कहाँ हुआ, बिल्कुल सही बात, अवधस प्रश्न ठीक है, लेकिन बोलने में व्यवहार नहीं आता है, बोलने में व्यवहार नहीं आता है, हमें उसको दोष नहीं देना, इसलिए हम कहते हैं कर्म का दोष है,
और जब अपने में जाना है तो कर्म का भी कोई दोष नहीं है, तब समय की योग्यता है। उस समय कपड़ा फटना था तो फट गया। मैंने बहुत प्रैक्टिकल किया इस गाथा का, बहुत प्रैक्टिकल किया मैंने, बहुत तैयार हो। एक बार मैं दूध तपा रहा था तो मैं ऐसे बैठ गया तैयार, और मेरे दिमाग में गाथा चल रही थी। मैंने कहा अब दूध नहीं उफरने दूंगा, तो मैं तो बिल्कुल बैठा ऐसे देख ही रहा हूँ, दूध उफरने नहीं दूंगा, ऐसे देख ही रहा हूँ। अब इतने में उफरने लगा तो मैंने फौरन उसको एक कपड़ा उठाने के लिए गया, कपड़ा उठाने गया तो निकल गया। फिर मैंने बाद में सोचा इससे तो चम्मच से चला देते, इससे तो हम गैस बंद कर देते, पानी डाल देते। बाद में वो समझ में आया, उस समय तो निकल ही गया, और आज भी मैं कोशिश करता हूँ तो दूध निकल ही जाता। क्यों निकल जाता मुझे नहीं मालूम, अब भी निकलता है। आप लोग तो तपाते नहीं होगे, नहीं पता नहीं लगेगा, इन लोगों से पूछो जो दूध तपाती। करो भाई प्रतिज्ञा ग्रस्त लोग, खिचड़ी नहीं जलेगी आज के बाद, दूध नहीं उफनेगा, बोलो। मैंने ऐसी योग्यता कौन कहे। कल मैंने 2 घंटे एक कहानी लिखी, बहुत अच्छी कहानी थी, मैंने इतनी बढ़िया कहानी लिखी थी 2 घंटा, और 1 सेकंड में ऐसी योग्यता ही मैंने उसे मिटा दी। मैं सोच रहा हूँ मैंने सेव कर दिया, वो बहुत मालूम पड़ा वो डिलीट हो गई। मैं सोच रहा हूँ मैं बिल्कुल बुद्धि पर रखी संभाल करके उसको लिख ली, बहुत अच्छी, सोच रहा था सबको पढ़ा दूंगा। और लिखी लिखाई कहानी उसी समय ऐसी अचानक बुद्धि चली, 4 बजे की रात की, तो मैंने चलो थोड़ा सो जाते हैं, सो बंद करने के चक्कर में क्या क्या हुआ, वो पूरी उड़ गई, 2 घंटे की मेहनत पूरी चली गई। अब मैंने कुछ सोच के किया था उड़ाना है मुझको, लिखी काय के लिए थी फिर, लेकिन होना है तो होता ही है। कई बार आप देखना इतनी कॉमन सेंस की गलती होगी कि अपन खुद ही हंसते हैं, मेरे जैसे इंटेलिजेंट से ऐसी गलती हो रही है। देख लेना, सभी लोग देख लेना, तस समय की योग्यता में गलती होना है तो बहुत ही है, कोई उसका करता धरता नहीं है। आनंद करूँ, बहुत बढ़िया, अच्छा कहा, कर्म हमारे नहीं, कर्म मेरे में नहीं, क्योंकि कर्म भी तो पुद्गल है, कर्म भी तो, हाँ, कौन ज्ञानी कहेगा कि कर्म मेरे हैं, कर्म मेरे नहीं है, पुद्गल मेरे नहीं है। बहुत बढ़िया, आगे आगे गाथा देखते हैं। अब एक नया क्वेश्चन खड़ा हो रहा है, व्यवहार ने खड़ा होगा यहाँ से, व्यवहार ने, जो जीव होए ना देह तो आचार्यवाती ठेस की मिथ्यावन स्तव ना सभी सो एकता जीव दे। 3 गाथाओं में क्या सिद्ध किया था कि जीव पुद्गल नहीं होता, वो पुद्गल जीव। तो क्वेश्चन खड़ा कर दिया इस गाथा में क्वेश्चन खड़ा कर, यदि ऐसा है तो तीर्थेस मैंने तीर्थंकरों की, आचार्य की, जो हम भक्ति करते हैं, पढ़ते होंगे आप आचार्य भक्ति, तीर्थंकर की अनंत भक्ति पढ़ते हैं, तो फिर वो कैसे होगी। क्वेश्चन खड़ा कर, जो जीव दे ना हो तो, जो जीव दे ना हो तो, बोलो तीर्थंकर के विशेषता, हम पूछ रहे हैं तीर्थंकर की विशेषता। तो सफेद लहू होता है, तो सफेद लहू तो देह का होता है। वो चरम शरीर वज्र वृषभ नाराज संगन होता है, वो तो शरीर का होता है। पूरी जिनवाणी में जब तीर्थंकर या अरहंत का वर्णन लिखा है वो तो इधर से लिखा है। अब बताओ जिनवाणी में तुम कह रहे हो कि जीव पुद्गल नहीं होता, पुद्गल जीव नहीं होता, पुद्गल जीव का कभी नहीं हो सकता, तो आप बताओ हम जब जीव का महिमा करते हैं तब तब पुद्गल का ही तो वर्णन कर रहे हैं। एक इंद्रिय जीव कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो, 2 इंद्रिय जीव कह रहे कि नहीं, 3 इंद्रिय जीव कह रहे कि नहीं, 4 इंद्रिय जीव कहते हो कि नहीं, 5 इंद्रिय बोलते हो कि नहीं। तो एक तरफ तुम कह रहे हो होता ही नहीं है, और एक तरफ लिखा है, क्या कहना समझ में आया। यहाँ तो अनुभव कराना था इसलिए कहा था कि जीव का पुद्गल नहीं होता, और पूरी जिनवाणी में व्यवहार ने लिखा हुआ है। व्यवहार ने क्यों लिखा है, अज्ञानी को अज्ञानी की भाषा में समझाने के लिए, अज्ञानी को मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा में समझाने के लिए। कौन सा दृष्टांत याद है आपको, पीपी हप्पा मम्म, ये तो बच्चे को समझाने के लिए है। टोटो साहब ने लिखा है जीव अजीव तत्व संबंधी चर्चा में, उसमें लिखा है
भेद विज्ञान और बैराग बैरा बीच रागता और भेद विज्ञान के लिए इनका वर्णन किया है। एक हिंदी दो हिंदी जीव आदि कहते हैं ना, एक हिंदी दो हिंदी गुणस्थान मारणा स्थान आदि का वर्णन क्यों किया है? क्योंकि इसे भेद विज्ञान करना और बीतराग होना, क्या करना? भेद विज्ञान करना और बीतराग होना। और तुमने क्या कर लिया? मेरे चौथा है, मेरे छठा है, मेरे सातवा है, मेरा पांचवा है। अरे इस चक्कर में नहीं पढ़ना। हाँ, पंचम गुणस्थान वाला जीव है या ध्रुव है? ध्रुव है। क्या है? ध्रुव है, उसका आनंद लेना, बहुत बढ़िया। तो मिथ्या बने स्तवना सभी, सो एक ता जीव देगी। वो कह रहा है हमारा तो भैया, हमें तो तीर्थंकर और शरीर और आत्मा में अंतर नहीं लगता, आचार्य परमेश्वरी में और उनके शरीर में कोई अंतर हमें नहीं लगता। ये प्रश्न किया उसने, वो प्रश्न है ये। उस प्रश्न के उत्तर में कलश भी लिखा है इसमें, वो आप पढ़ लेना। 27 नंबर देखो आप, हाँ लिखा है अभी 27 नंबर। जो जीव जीव देह दोनों एक हैं, यह वचन है व्यवहार का, निश्चय विषय तो जीव देह कदापि एक पदार्थ है। स्पष्ट है? कठिन तो नहीं ना? जीव और देह कदापि एक पदार्थ नहीं हो सकते। व्यवहार नहीं कहता है एक, लेकिन होता नहीं। अगली गाथा, जीव से जुदा पोदगलमयी इस देह की स्तवना करी, माने मुनि जो केवली बंधन हुआ स्तवना हुई। केवली भगवान की स्तुति की और वंदना की ऐसा कहते हैं, कहने का व्यवहार है। अगली गाथा, निश्चय, देखो ये व्यवहार आया था अब, यह निश्चय, निश्चय विषय नहीं योग्य नहीं देह गुण केवली ही की, जो केवली गुण को स्तवे परमार्थ केवली वो स्तवे। हाँ बोलो भाई, अनंत भगवान के कितने गुण होते हैं? 46। उनमें से 42 तो शरीराश्रित है, वो तो उनके व्यवहार स्तुति है, और अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सुख, ये जीव की पर्याय है, ये परमार्थ स्तुति है। ठीक, परमार्थ स्तुति और व्यवहार स्तुति, ये कहा। अगला, अब देखो खुद ही दृष्टान दे रहे आचार्य। रे ग्राम वर्णन करने से भूपाल वर्णन हो न ज्यों, त्यों देह गुण के इस्तवन से नहीं केवली गुण तवन हो। समझ गए? सरल है। आपने देखे पुराण पढ़े होंगे, अयोध्या थी, वहाँ बड़े बड़े मकान थे, ऐसे ऐसी प्राचीरें थी, ऐसी ऐसी ध्वजाएँ थी, सोने चांदी के कंगूरे लटक रहे थे, वहाँ परीखा थी, खाई थी बहुत बड़ी, और उसमें ऐसा जल बहता था, उसमें मगरमच्छ होते थे, कछुआ होते थे। ये वर्णन कौन क्या चल रहा है? है ना, ऐसे लिखते हैं, इतनी सेना थी, इतने रथ थे, इतने हाथी थे, इतने फला थे। देखो एक बढ़िया दृष्टान्त दे, हमारे पंडित साहब ने दिया, हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छा दृष्टान्त दिया। भरत चक्रवर्ती ने क्या क्या त्यागा था, याद है सबको? भरत चक्रवर्ती ने क्या क्या छोड़ा था? क्या क्या छोड़ा, नाम बताओ। 96,000 रानी छोड़ी, 84,000, 84 लाख हाथी, और कितने करोड़? 18 करोड़ घोड़ा छोड़े थे, और कितने? 1 करोड़ सैनिक छोड़े। इनने कहा मुझे नहीं मालूम, ऐसे छोड़े, सही बता ना, 18 करोड़ घोड़ा छोड़ेंगे तो अयोध्या में क्या होगा?
अस्तबल से दी 18 करोड़ घोड़ा छोड़ेंगे भरत चक्रवर्ती, तो क्या होगा? छान ज्यादा नहीं कहेंगे गेट आउट, घर से निकलो, अभी सड़क में निकल जाएंगे, तो क्या होगा? इतने बर्तन छोड़े, इतने भांडे छोड़े, इतने पला पला छोड़े, तो कुछ नहीं छोड़ा। अज्ञानी ऐसी समझते हैं, करें क्या? यदि हम कहें आपने आपने सब छोड़ा, तो कोई को महिमा नहीं आई। अरे ये तो ये प्रोफेसर थे, ये तो करोड़ों रुपए कमाते थे, IIT की प्रोफेसर थी ये टीचर, तो ये क्या साध्वी जी तो बहुत बड़ी थी, इसकी तो बहुत रिस्पेक्ट होती थी, CM फोन पे बात करता था, वो इतना छोड़ के आए। वो भाई हैं अभी जिसको छोड़ के आए, इतना करोड़ का आसाम छोड़ के आए, समझो। अभी दो साध्वी हो या दो साधु, एक कुटिया छोड़ के आया हो, एक महल छोड़ के, तो महिमा किसकी आती है? बोलो। एक टूटा कटोरा छोड़ के आया है, प्लास्टिक का टूटा कटोरा और दीक्षा ली, और एक ने सोने चांदी माणिक मोतियों के आभूषणों के बर्तन, ऐसे खान पान सुख सुविधा, बड़े बड़े पलंग छोड़े, ऐसे सोना चांदी छोड़ा, हाँ कौन की महिमा आती है? तो वो उसका निषेध करना है इसमें, कि तू मिथ्या दृष्टि है, तू मोहित बुद्धि वाला है, व्यवहार से तो ऐसी स्थापना करते ही, लेकिन परमार्थ स्थापन ऐसा होता नहीं है। मालूम इससे क्या तकलीफ होगी? यदि आप में भी ऐसी बात चलेगी ना, तो आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा, आपको इस बात का दुख होगा, काश हम भी अमीर होते, काश हम भी करोड़ों के हीरे लुटा के, श्वेतांबर में से होते हैं वो, खूब हीरे लुटाते हैं, इसे रतलाम साइड बहुत लुटाते हैं, बॉम्बे में बहुत लुटाते हैं इसे, तो फिर अपने को भी ऐसा लगता, अपन भी यदि खूब अमीर घर में होते तो अपन भी हीरा लुटा देते, तो उससे क्या फर्क पड़ता? क्या फर्क पड़ता बताओ? हीरा भी पुद्गल है, मिट्टी पत्थर भी पुद्गल है। तो बोलूँ एक अच्छी भाषा, मिथ्या दृष्टि कहता है कि इसकी महिमा इसलिए है कि इसने क्या क्या छोड़ा, और सर्वज्ञ भगवान कहते हैं इसकी महिमा इसलिए है कि इसने ध्रुव को समझा, क्या ग्रहण किया। हाँ, मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है? क्या क्या छोड़ा, और सर्वज्ञ भगवान क्या मानते हैं? तूने क्या ग्रहण किया। बोलो भाई, मोक्ष मार्ग छोड़ने से होता है कि ग्रहण करने से होता है? बस ग्रहण करो। अब बोलो, सभी साथ भी एक समान हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और नहीं तो ऐसा लगे ये तो बॉम्बे की है, और ये तो गांव खेड़ा की है, और ये तो बहुत छोटे गांव की है, और ये तो बहुत, तो दुखी दुखी हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, मैंने सबके सब मिथ्या दृष्टि बने रह जाएंगे। बोलो भाई, आत्मा में कोई भेद है कि नहीं? ध्रुव में कोई भेद है कि नहीं? आनंद करो, आनंद करो। चलो अगली गाथा। अब आई स्तुति। परमार्थ स्तुति क्या होती है? वो पूछ रहा, तुम बताओ परमार्थ स्तुति क्या होती है? अब पूछ रहा है, फिर तुम बताओ, करके बताओ, तुम अनंत भगवान की सच्ची स्तुति करके बताओ, आचार्य परमेश्वर की सच्ची स्तुति तुम करके बताओ। तो आचार्य देव दो गाथा लिख रहे हैं, वो परमार्थ स्तुति है, देखो कैसे करते हैं। कर इंद्रिय जय ज्ञान स्वभाव अधिक जाने आत्म को निशे स्थित साधु जन भांसे जितेंद्रिय उन्हीं को। अगली गाथा है, कर मोह जय ज्ञान स्वभाव रु अधिक जाने आत्म को परमार्थ विज्ञायक पुरुष ने उन्हीं जित मोही कहा। एक लाइन में समझना है दोनों का था? एक लाइन में, बाकी आप पढ़ लेने से, नहीं समझ में आ गया तो फिर कल पढ़ा दी, पढ़ना ही सुबह। हमारे बहुत प्रसिद्ध अच्छी गाथाओं में से जोरदार इकती बती, क्यों परमार्थ स्तुति है, सरलता समझाऊंगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। मैंने महिमा नहीं आएगी, महिमा तो इसका पेट फाड़ने में आएगा, मैंने खोल के देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। शॉर्ट में है कि भगवान की स्तुति करना हो तो दो स्तुति, दो गाथा कही, दर्शन मोह का अभाव हो और चारित्र मोह का क्षय हो, दर्शन मोह का क्षय हो और चारित्र मोह का क्षय हो, दोनों मोह का क्षय हो जाए तो ये सच्ची स्तुति है। अब कौन को समझ में आई? कुछ नहीं समझ में आई, क्या कहा, समझ में आया कुछ? दर्शन मोह का क्षय हुआ और चारित्र मोह का क्षय हुआ।
आठ कर्मों में दुख का प्रबल हेतु कौन? मोहिनी। आठ कर्मों में प्रबल दुख का हेतु मोहिनी है, तो मोहिनी का अभाव किया जी अनंत की सच्ची स्थिति है। इंद्र आई, ये स्तुति नहीं है। इंद्रों ने वो रत्न बरसाई, ये नहीं। माता को 16 सपने आए, ये स्तुति नहीं है। ये स्तुति नहीं है, असली स्तुति थी। ओहो, अनादिकाल से निगोद में पड़ा जीव निकला, जिस मोह ने इसको चार गति 84 लाख योनि में हैरान किया। ओहो, अनादिकाल से दुख पाया, कमाल कर दिया इस जीव ने। जिस मोह ने इसे हैरान किया थे, इसने उसको, उस मोह को मट गया, क्या कहला, आमूल चूल उखाड़ फेंका। जी है, जे है वो महिमा, जे है भगवान की महिमा। फिर से बोलूं, जिस मोह ने मुझे 84 में अनादिकाल से रुलाया है, उसे मिटा के रख दिया। इसलिए हमारे एक बहुत अच्छा शब्द है, अरि हंत। अरि हंत, अरि माने मोहिनी शत्रु, हंत हंत है ना, बिल्कुल छाई भाव, छाई दर्शन और छाई मोह, और क्या नाम, दर्शन मोह, चारित मोह, छाई, समझ में आया कोई? अरिहंत माने वीर रस है, जो वीर रस, अरिहंत मतलब मोह रूपी शत्रु को जिसने मार डाला, अनंत चतुष्टय को, चार घातिया कर्मों को जिसने नष्ट कर दिया। तो ये असली स्तुति है। अब इसकी टीका में बहुत सारी बातें कही हैं। पांच इंद्रियों को जीतना, ये उसकी स्तुति है। क्या कहा? पांच इंद्रियों को जीतना उसकी स्तुति है। लिखा ना, इंद्रिय जय, इंद्रिय जय। तो कैसे? पांच इंद्रियों को और उनके विषयों को ध्रुव से भिन्न जान लिया, आहा स्तुति हो गई। फिर से बोल रहे, कठिन है थोड़ी बात, एकदम सरल भाषा नहीं है ना। फिर से, पांच इंद्रियों को जीतना है आपको, बोलो जीतना है नहीं जीतना है? जीतना है, तो देखो हम जिताते हैं, जीतना है, रेडी? ठीक, अब इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, छुट्टी। तो अभी अपन देखते हैं दृष्टांत, पांच इंद्रियों को कैसे जीते हैं? कि तू, तुझे पांच इंद्रियों के विषय जानने में आएंगे, जानने में आएंगे, तू हैरान मत होना, ये जीतना है बस। जानने में तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि शब्द सुनाई ना पड़े, ऐसा तो नहीं होगा कि दिखाई ना पड़े, ऐसा तो नहीं खाएंगे और चखाई, चखने का काम ना हो, सूंघने का काम ना हो, ठंडा गर्म स्पर्श, ये तो पता लगेगा। तू एक काम करना, इसमें सुख मत मानना, इसमें हैरान भी मत होना, इससे राग भी मत करना, इससे द्वेष भी नहीं करना। क्यों नहीं करना राग द्वेष? बढ़िया उत्तर दो, क्यों नहीं करना मोह राग द्वेष? जानने में तो आएंगे पांच इंद्रियों के विषय, हैरान क्यों नहीं होना? क्योंकि मेरे में होते नहीं। इसके लिए लिखा है इसमें, ज्ञान गे संकर दोष को दूर कर दिया। ज्ञान गे, ज्ञान गे, संकर माने मिलाना, संकर मतलब मिलाना, ज्ञान और गे को मिलाने वाला मिथ्या दृष्टि है, और ज्ञान और गे को मिलाता नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, आज करोगे कल करोगे, आज करोगे कल करोगे, मेहनत बोलो अभी। सोचो कल बताए तो वो, ये प्रैक्टिकल, कोई आपको गाली दे तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? अब ज्ञान में गे झलक ही तो है, ज्ञान में गे झलक ही तो है। कर्ण इंद्री का विषय, किसी ने गाली दी तो ज्ञान में झलक ही तो है, मेरे में तो प्रवेश हुआ ही नहीं। जैसे आपने एक, आपने दुनिया में एक, हमारा एक बड़ा सौभाग्य है, सबसे पहले मर्जा ऐसे शब्द हम अपनी माँ से सुनती, कौन से सुनती? जब भी माँ को गुस्सा आता है, मर्जा। आप क्या क्या बोलते हो? कुछ बोलते कि नहीं बोलते आपके? हमारे यहाँ तो ऐसे बोलते, मरी जा, हड्डी पसली तोड़ दे तेरी। सुनते कि नहीं सुने कभी? मम्मी ने बोला कि नहीं बोला? दुश्मन बोले तो समझ में आता है, क्या बोल रहा हूँ, दुश्मन बोले तो समझ आता है, लेकिन माँ तो हितेशी है हमारी, हमारी रक्षा करती है, लेकिन गुस्से में बोलती है मर जा। तो आपको बुरा लगता था कि नहीं लगता था? क्यों नहीं लगता था?
क्योंकि माँ कहती तो है मर जा, लेकिन हम मरते नहीं। अब दुश्मन भी बोले तो हम मरते नहीं। दुश्मन और माँ एक बराबर, क्या बोला? दुश्मन और माँ एक बराबर, वो बोलेंगे तो सही, मर जा, अपन दुखी नहीं होना। कई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, ओ भाभी ने कह दिया मर जाओ, फ्री का खाते हो, कमाते नहीं हो, मर जा, वो मर गया बेचारा। अरे किसी के कहने से हम मरते नहीं, ये दृष्टांत हो गया। ज्ञान में गे झलकते हैं, लेकिन ज्ञान में तो ज्ञान के सिवा कुछ होता नहीं, इसलिए मुझे 5 इंद्रियों की विजय हो गई। कुछ समझे? बहुत कठिन बात कही है हम। अभी क्या कठिन लगाते पता है? ऐसा कर लो कि सुनाई ना पड़े, इतना ध्यान में डूब जाओ कि 5 इंद्रियों का विषय रुक जाए ना, ये तो उल्टा हो गया। 5 इंद्रियों का विषय रोकने जाओगे तो चूहा हो जाएगा वो। करो आप एक आध दिन करके बताओ कि सुनाई ना पड़े, दिखाई ना पड़े, ठंडी गर्मी का पता ना लगे। वो तो पता लगेगा, लेकिन मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं करते, इसलिए मुझे कुछ दिक्कत होती। ज्ञान के शंकर का एक बहुत अच्छा दृष्टांत है, सरल दृष्टांत। एक कमरा है, उस कमरे के बीच में स्फटिक मणि की दीवार है, कांच की दीवार समझ लो, इतनी मोटे कांच की दीवार, बहुत मोटे कांच की। इधर शेर है, इधर बकरी है। बताओ शेर बकरी को मार सकता है कि नहीं? नहीं। बोल भाई, शेर बकरी को मार सकता है कि नहीं? नहीं। क्यों? बीच में तो मोटी दीवार है, लेकिन बकरी मर गई। काहे से मर गई वो? काहे से मर गई वो? शेर ने सोचा ये बकरी है, तो पूरी ताकत लगा मुंह खोल करके एकदम झपट्टा मारा। तो झपट्टा मारा तो वो तो दरवाजे से टकरा गया, वो दीवार से टकरा गिर गया। और उसने क्या समझा? इसने मुझे मर गई। ये ज्ञान के शंकर दोष का दृष्टांत है। मिथ्या दृष्टि ऐसे दुखी होता है। अरे दुखी होता इसलिए मिथ्या दृष्टि है। आज तक आत्मा मरा नहीं, नहीं। और फिर भी हर बार कहता है मर गया, मर ना जाऊं, मर ना जाऊं, मर गया, अरे अब क्या होगा, भूत आ गया तो क्या होगा, ओ मुझे तो भयंतर का डर लगता है, भयंतर ओ समझ। वहां कुछ हुआ ही नहीं, आत्मा कभी मरा ही नहीं। आज तक किसी भयंतर ने हैरान किया है ध्रुव को? बुलाओ, आज बुलाओ सबको, आ जाओ, कम ऑन। नहीं पंडित जी कुछ हो गया तो? ये बड़ा खतरा है आदमी को, मिथ्यात इसलिए होता है, कुछ हो गया तो, कुछ हो गया तो। अरे कुछ नहीं हुआ, अनादि से नहीं हुआ तो अब क्या होगा? तो ज्ञान के शंकर समझ में आया जी? ये बहुत प्रैक्टिकल है, इसका हजारों लाखों करोड़ों एग्जाम्पल बनाओ प्रैक्टिकल करने के लिए। देखो एक दृष्टांत देता हूँ। एक आदमी, उसके पास 1,00,000 रुपया था, ठीक, 1,00,000। फिर पुण्य के उदय में 1 साल में उसके पास 1 करोड़ हो गया, ठीक। 1 साल में 1,00,000 का कितना हो गया? 1 करोड़। फिर पाप का उदय आया तो 50,00,000 रह गए, वो मर ही गया। क्यों मर गया बताओ? क्यों मर गया? क्योंकि उसको रोटी नहीं मिल रही थी खाने को, कपड़े नहीं मिल रहे थे। क्यों मरा बताओ? ये है वो बकरी वाला, अरे ढोर मूरख, जब 1,00,000 था तब तू मस्ती से रोटी खाता था, उतनी रोटी अब खा रहा है, उतने कपड़े मिल रहे हैं, वही मकान है, सब कुछ है। इसने 1 करोड़ देखे नहीं। आजकल का आदमी पैसा देखता नहीं, पता है? आजकल का आदमी गरीब और अमीर एक बराबर, क्योंकि दोनों के मोबाइल में पैसे होते हैं, नोट थोड़ी गिनता कोई, मालूम होगा सबको, बैंक में ट्रांसफर हो जाते हैं ऐसे अकाउंट में, ऐसे ट्रांसफर। आज की तारीख में भिखारी भी पैसा नहीं गिनता और अंबानी भी नहीं गिनता, दोनों एक बराबर पैसा रहित, लेकिन एक गयाकार है बस। अब सोचना, आपके परिवार में 1 करोड़ रहो और 50,00,000 का समाचार आएगी 50 का घाटा हो गया, तो आपको क्या होगा? अरे लेना एक ना देना दो, वही रोटी खा रहे, वही कपड़े पहन रहे, वही सब रहे, आ हा गियाकार से हम दुखी होंगे। ये पहली स्तुति है, सम्यक दर्शन करना, ये पहली स्तुति है जीव की। हमें अनंत भगवान की इसलिए महिमा नहीं आती कि आहा क्या सा भामंडल है,
कितना बढ़िया छत्र है, कितना चवर है, इससे कोई लेना देना नहीं। आपने दर्शन मोह का अभाव किया जिसने आपको रुलाया था, और चार मोह का अभाव किया जिसने चार गति में रुलाया था। ओहो, आप ये है असली भक्ति। समझ में आया कि नहीं आया? दृष्टांति दे सकते समझाने के लिए था। बताओ, दो आदमी को कैंसर हुआ, एक आदमी को पुण्य का उदय नहीं था, तो बेचारा हल्दी खा के सही हो गया। आप क्या कर रहे थे? गरीब आदमी था, उसके पास कोई सुविधा ही नहीं थी, ना डॉक्टर था, ना आईसीयू था, ना कुछ नहीं था, बेचारा हल्दी खा के सही हो गया। और एक अरबपति आदमी था, उसको भी कैंसर हुआ, वो बम्बई गया, खूब लाखों रुपए के चेकअप हुए, खूब मशीनों से ऐसे ऐसे जाँचें हुई जबरदस्त, फिर उसका ऑपरेशन हुआ और 10 करोड़ रुपये फूंक दिए उसके लिए, उसके इलाज के लिए 10 करोड़। नए नए डॉक्टर आए, अमेरिका से, जापान से, फ्रांस से, जर्मनी से, सारे डॉक्टर आए, सबने इंजेक्शन ठोके। और कमरा देखने लायक था, इतना बढ़िया कमरा, गद्दा 1 लाख का, इतना सुंदर गद्दा, बटन दबाओ तो उठ जाए, बटन दबाओ तो नीचे हो जाए, बटन दबाओ तो कमर करवट बदल जाए, बटन दबाओ तो ऐसे हो जाए। सारे लोग कह रहे धन है, कितना पुण्य का हो जाए, कितना बढ़िया कमरा, कितने सारे डॉक्टर। आज पैसा होता तो मिलता, नहीं होता तो बोलो, कितना पुण्य का उदय, गजब सेठ जी, गजब। और 6 महीने में मर गए। अब बोलो भाई, किसको अच्छा कहना है आपको? एक मजाक में नहीं लेना, अपने जीवन में घटाना। अभी भी हमें लगता है पैसे वाले सुखी हैं, उनकी पत्नियां भी सुखी हैं, उनके बच्चाएं भी सुखी हैं, उनके फलाएं भी सुखी हैं, और अपन तो क्या करें, ठन ठन गोपाल, क्या करें, मजबूर है भैया, क्या करें। अरे समझ में आया? अरे हम अभी भी देह को वही मिल रहा है, और आत्मा को तो ज्ञान का भोजन मिलता है। आत्मा को तो ज्ञान के सिवा दूसरा भोजन मिलता नहीं है। इसमें लिखा है ज्ञानामृत भोजी, स्वानुभव के अमृत के भोजी है हमारे भगवान। आहा, तो असली स्तुति कौन सी हुई? दर्शन मोह जीते। 5 इंद्र के विषय नहीं जानना, ये नहीं कहा। अरे मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे में आते नहीं है। सामायिक में आज डरोगे तो नहीं? चूहा, चूहा तो नहीं आएगा? पहले प्रतिज्ञा करके बैठो, कोई भी झलको, नो कंप्लेंट, कोई भी झलको, नो कंप्लेंट, कोई भी झलको। एक अंतिम दृष्टान देंगे, बात छुट्टी कर दें, टाइम तो हो गया, इतना ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा ही हो गया, कोई बात नहीं, एक दृष्टान देंगे छुट्टी। बकरी के स्थान पे बच्चे को खड़ा करें अपन, बच्चे को, तो बच्चा भी पहली बार तो डर जाएगा, डरेगा लेकिन मरेगा नहीं। वो पापा पीछे खड़े हैं, जिस शिष्य के साथ गुरु हो वो डरता नहीं, नहीं। क्या काम है? जिस शिष्य के साथ गुरु हो वो, तो वो बच्चे पहले तो डरे एकदम पिताजी से, ओ पिताजी, पापा, पापा बोल, पापा ऐसे खड़े हुए, नहीं बेटे कुछ नहीं हुआ। क्यों पापा, क्यों नहीं हुआ? शेर बेटा बीच में दीवार है, पापा हम नहीं जाएंगे, खा जाएगा वो, देख हम जा रहे हैं, देख देख हमने हाथ रख लिया, देख। अब बच्चा ने पहले दूर से देखा, फिर थोड़ा उसको, उधर शेर पंजा मार रहा है, लेकिन पापा ने हाथ नहीं हटाया, मुंह फाड़ रहा है, ये डरा नहीं। फिर उस बच्चे का भी हाथ रखा है उसने, अरे कुछ हो नहीं, अरे अब तो अब आके खड़ा हो गया, आजा आजा आजा, हाँ आजा। जो बच्चा पहले मिथ्या दृष्टि था, सम्यक दृष्टि हो गया, समझ गए? जो बच्चा पहले, ये पहली स्तुति है, इस गाथा की पहली स्तुति है। आजा आजा, अब हम कोई विकल्पों से डरने वाले, क्योंकि मैं ध्रुव भगवान हूँ, मेरे में किसी का प्रवेश नहीं है। ये पहली स्तुति हुई, और ऐसे ही करते 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 एक दिन चारित मोह भी चला जाएगा। इस तरह दोनों स्तुति समझा दी, बाकी अब पढ़ लेना और खूब आनंद करना, ठीक? अनंत अनंत जन्मों के कर्म कटेंगे इससे। और अब ऐसे बैठ जाओ, क्या करूँ, विकल्प रुकता नहीं, भोजन ही भोजन दिख रहा है, माथो दुखो छे, क्या करे है? कर्म तुझे दुख कर रहे हैं कि तू कर्मों को दुख दे रहा है?
समझ में आया? पहली स्तुति समझ में आ गई? पहली स्तुति करो। पांच इंद्रियों के विषय जानने में आए मुझे दुख होता नहीं। आगे की तो चर्चा आएगी। आगे चालीस मोह की स्तुति, चालीस मोह वाली समझाने के लिए, वो हमें ज्यादा नहीं कह रहे, समझ लो, भेद नहीं डाल रहा हूं मैं तो, सरल भाषा में। असली विजेता किसको कहते हैं? असली विजेता सामने भगवान का समो शरण है तो अभी देखने की इच्छा नहीं है, उसने नेत्र इंद्रिय को जीत लिया। भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का भी राग नहीं रहा, ये कर्ण इंद्रिय की विजय। भगवान क्या कहते हैं उसका विचार तक करने की इच्छा नहीं रही, ध्रुव में इतना मगन हो गया, ये उसको मन की विजय हो गई। अब एक वृक्ष के नीचे साधु विराजमान थे, इतने में मालूम पड़ा बाजे बजे कि वहां समोसन लग गया, गए ही नहीं, ये विजय है। भगवान के पास काय के लिए जाना था? इसी के लिए जाना था, ये तो मुझे मिल ही गया। उधर भगवान की दिव्य ध्वनि कर रही थी, इधर इनको केवल ज्ञान हो गया। जे वो दूसरे नंबर की स्तुति, तीसरे नंबर की स्तुति, तीन स्तुति लिखेंगे इसमें तो तीन गाथा है इसकी स्तुति की, तो तीनों पढ़ा दी थी जल्दी। एक ही जीत लो, बाकी सब जीत लोगे। कौन सी जीतना है आपको? गे गायक शंकर दोष के अभाव रूप, शब्द क्या लिखा है? गे गायक शंकर, बस ज्ञान में गे मिलते नहीं है तो शंकर होगा नहीं। विचार करना, निज निधि में बताई उसके लिए